पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन किया। पुल पर कुछ देर चहलकदमी भी की। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ेगा पुल। 2 घंटे का सफर 20 मिनट में पूरा होगा। पीएम मोदी ने कहा, देश हित के लिए कोई समझौता स्वीकार नहीं, समंदर से भी टकरा सकते हैं, पहले थी अटकाने वाली व्यवस्था। पीएम मोदी ने कहा, देश का विकास ही हमारी प्राथमिकता, बिना किसी दबाव और प्रभाव के हो रहा काम। महाराष्ट्र के नासिक में पीएम मोदी का रोड शो। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले विशेष अनुष्ठान शुरू किया। कालाराम मंदिर में की गई पूजा अर्चना। मंदिर परिसर में पीएम मोदी ने की सफाई। कहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन श्रमदान करें। अटल सेतु इसलिए बना क्योंकि देश में मोदी राज आया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। सीएम एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में अब की बार 45 पार कर दिया नारा। कहा, एक बार फिर बनेगी मोदी सरकार। सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की दी बधाई। कहा, गरीबों को कराएं भोजन, मंदिरों और घाटों पर जलाएं दिए। राम मंदिर पर राजनीति करने वाली कांग्रेस हुई एक्सपोज। शंकराचार्यों ने सार्वजनिक चिट्ठी लिखकर प्राण प्रतिष्ठा का किया समर्थन। गर्भगृह का ढांचा पूरी तरीके से बनकर तैयार। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कोई धार्मिक बाधा नहीं। श्रृंगेरी शारदा पीठ के प्रशासक गौरीशंकर का बयान। राम के दर्शन के लिए कभी भी जा सकते हैं अयोध्या। बीजेपी ना करे राजनीति, कांग्रेस चीफ खड़गे का पलटवार। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल ना होने पर सीपीआई की सफाई। डी राजा बोले, बीजेपी आरएसएस ने धर्म के कार्यक्रम को राजनीतिक बनाया। 2024 को लेकर इंडिया अलायंस में हलचल तेज। कल सुबह 11:30 बजे होगी वर्चुअल मीटिंग। कन्वीनर के नाम और सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। दिल्ली की सीटों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक। मुकुल वासनिक के घर नेताओं का मंथन। सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू का बयान आया सामने। पिछली बार 17 सीटों पर लड़ा था चुनाव, इस बार भी अपनी दावेदारी रहेगी। कल होने वाली इंडिया अलायंस की बैठक से पहले बोले जेडीयू नेता अशोक चौधरी, पहले भी 17 सीटों पर लड़े थे, अब भी 17 पर ही लड़ना चाहिए। जेडीयू के 17 सीट के दावे पर बोले विधायक रामबलि यादव, जब नीतीश गठबंधन में थे तब आई थी कितनी सीटें। सीट बंटवारे को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी की 2-2। कुणाल घोष बोले, कांग्रेस को बेसलाइन याद रखनी चाहिए, ममता बनर्जी लेंगे अंतिम निर्णय। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, एक एक सीट पर कर रहे चर्चा। लोकसभा के 3 सांसदों का निलंबन होगा वापस। लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी रिपोर्ट स्वीकार करेगी। लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स के साथ कांग्रेस चीफ खड़गे की मीटिंग। 2024 चुनाव की रणनीति पर काम करने के दिए निर्देश। 18 जनवरी से 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे सीएम केजरीवाल। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता का राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए सर्टिफिकेट मिला। सिक्किम की एकमात्र राज्यसभा सीट बीजेपी ने जीती। दोर्जी शेरलिंग बने राज्यसभा सांसद। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में की मीटिंग। जन आंदोलनों के प्रतिनिधियों संग की चर्चा। राहुल की न्याय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल का तंज। कांग्रेस की नीति और नियत ठीक नहीं, जनता नहीं करेगी विश्वास। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं रिजेक्टेड सीएम नहीं, राजनीति में रहूंगा सक्रिय, लोगों का प्यार ही मेरी असली ताकत। जयपुर में सीएम भजन लाल ने पार्टी नेताओं के साथ की मीटिंग। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार की रणनीति। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का समापन। 26 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के एमओयू हुए साइन। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के समापन में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, पीएम मोदी के तीसरे टर्म में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा भारत। असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर कमेटी गठित, असम सरकार ने दी जानकारी। पटना पहुंचे भारतीय जन युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या। कहा, बिहार के युवाओं का राष्ट्र निर्माण में होगा बड़ा योगदान। देहरादून में राष्ट्रीय युवा दिवस पर यूथ एज जॉब क्रिएटर्स प्रोग्राम। सीएम धामी ने युवाओं को दिया मंत्र, समय का करे सही इस्तेमाल। डीआरडीओ को मिली बड़ी सफलता। आकाश मिसाइल आकाश एनजी का किया गया सफल परीक्षण। जापान भारत तट रक्षक का ज्वाइंट एक्सरसाइज। चेन्नई के पास बंगाल की खाड़ी में किया अभ्यास। नवी मुंबई में बीजेपी और उद्धव गुट के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। दिवा रेलवे स्टेशन का क्रेडिट लेने की लगी होड़। लखनऊ में माफिया मुख्तार के करीबी अफरोज पर एक्शन। बाराबंकी पुलिस ने 2.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। ओडिशा का पूरी जगन्नाथ कॉरिडोर तैयार। 17 जनवरी को सीएम नवीन पटनायक करेंगे उद्घाटन। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल। एलजी ने कई जिलों के डीसीपी और स्पेशल सीपी का तबादला किया। गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखी मुस्तैदी। आजीपुर के सदर अस्पताल में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का औचक निरीक्षण। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। केरल के कन्नूर में युवा कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर बवाल। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने पानी की बौछार की। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद अहमद मट्टू की बढ़ाई गई हिरासत। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया था गिरफ्तार। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर रेलवे जंक्शन का किया निरीक्षण। कहा, रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम जारी। जयपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यक्रम। सीएम भजन लाल को मां सरस्वती की प्रतिमा की भेंट।
श्रीनगर में बारिश और बर्फबारी के लिए मस्जिदों में मांगी गई दुआ, बड़ी संख्या में लोगों ने की शिरकत। देश के 16 जिलों में कोरोना के नए वेरिएंट के 971 केस दर्ज किए गए, 11 जनवरी तक आंकड़ा आया सामने। सेंसेक्स में रिकॉर्ड 72,720 का उछाल, निफ्टी 21,928 के पार। डॉलर के मुकाबले रुपए में 9 पैसे की बढ़त दर्ज, एक अमेरिकी डॉलर 82 रुपए 92 पर रहा।